अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्र तिगो, की हाल ने? ठीक ठाक हो? आज मैं गाजरां दा हलवा बनाने लगी हां, वो बना के तुहानू मैं खानी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल साहब दा? ठीक ठाक हरियत नाल। अज मेरी दादी मां गाजर दा हलवा बना के तुहानू खान दी फरमाइश कीती सी किसे भाई ने, ते अज असीं तुहानू गाजर दा हलवा बना के दिखाने किस तरीके नाल बनाई दा देसी घ्यो दे विच। दादी माँ जी किनिया गाजर ने? 2 किलो। ठीक है, इन्होंने पहला छिल लेना चंगी तरह, छिल के फिर धो के तो फिर इन्हों का मूली कंडा करना। ठीक है जी, फिर इन्हों रगड़ना है, एक बार इन्होंने धो लेना भी छिल के धो के, तो फिर इन्हों रगड़ना है। ठीक है जी, इस तरीके दादी माँ तो छिलना जी, अपना जेल तो लाई दी देना। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत गाजरां ने अज इन्हां दा दादी मां हलवा बना के तुहानू दिखांदे ने। अच्छा दादी मां, ये गाजरां हो गईयां ने? जी हो गईयां ने, इन्हां रगड़न लगियां धो के लियांदे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। देखो जी, इस तरीके दे नाल इन्हां नूं मूली कंडा कर लैणा। दादी मां करन लग पए ने, कदी मैं लियाओ, मैं भी करना वा। मैं बजी करना कोई नहीं, बहुतियां नहीं, 2 किलो गाजर ने, एक कमाई अस 10-10 किलो कर करके तो बनाते रहे। अच्छा दादी भाई, गाजर हो गई सारिया जी? आए रगड़ कत्तियां ने। ठीक है, हम कढ़ाई च पा के उत्ते चूल्हे ते रख लैने। सही है, हौली 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 थोड़े थोड़े अग दे नाल पे चसां दे, ये अपने पानी ने फिर गलन दे। ठीक है जी। अच्छा दादी माँ जी, उत्ते हुण कढ़ाई रखा लगे ने? बिस्मिल्लाह। दादी माँ जी, सब तो पहला इंजे ही गाजरां पानियां जी बेचे? हाँ, इंजे ही पानियां ने, इन्हें अपने पानिये नाल ही गलना। बिस्मिल्लाह। अंज करके इन्हों प्या लाना, लाद ही रहना जी? हाँ, लादा रहना। ठीक है, लादा ये बिचे फिर इस पानी नाल ही गल जाए जी, जड़िया मूली कंडा कीतिया ने गाजर, ये आप ही फिर पिया गलदिया ने, बिच लादा रवि भी थले ना लगन। अंज अंज करके लादा रवि अच्छा दादी माँ जी, अज कोई गल ही सुनाओ कोई अपने वक्त की। गल सुनाने अगलिया वक्त लोग जरेले पकाने घर दियाँ मझा 5-5, 10-10 लोग रखिया होंगे सन, अन्ने दुद्ध होंगे समसंगने, तो बिच पाने ते पकाना गजरेला सुक्का बनाना, वो पाना माल ते दुनिया रज रज के खानियाँ, जने भी ताकत वाले सन ठीक ठाक, ना कोई बीमारी ना कोई गल ना बात। हूँ फिर पता जे वो जो सारिया हुई चीज़ा ताकत कल चोन हूँ ताकत वाली गल को नहीं, जने पीते सन दुध रज मझा करादियाँ होनिया, संघने दुध पीने, सोहनिया रोटिया खानिया, बाजरे दिया मकइया दिया ते मक्खन धार के जनिया खाने, ते जवान लोगों मुड़िया ने कौड़ियाँ खेलनिया, इन लोगों की ताकत सन। हूँ डाटिया में ताकत तो कोई नहीं ना, दुध भी लोग बेच छड़े हुए हूँ, मझा के लोग अपने वाते चाह वाते भी नहीं रखते, लोग कहते चलो दुध बेच लगे, तो उदू लोगों को पता ही नहीं सी, ना कभी किसी बेचा सी, ना कभी कुछ पता ही नहीं सी, कद मखणा ना रोटियां पकानियां। डाटे कदों होंगे सन अगलिया वक्त, डाल्टे तो थोड़ा चिर हो ना डाल्टा निकलिया, तो वो असल भी डाल्टा जोड़ा सी, फिर भी कुछ बंद ही गल सी, हूँ पता ही नहीं कि शायद घ्यो बनते हैं तो कि शायद नहीं। जी बिल्कुल, इंजी गल किसान दिन गाजर ने ना सुरख, ये मठैस बड़ी है, तो जो बाहर के मुल्क दियां उन्होंने मठैस भी कोई नहीं आती, उन्होंने रंगत भी कोई नहीं आती, पाकिस्तान वधिया ताजगा जी। जी बिल्कुल, सुरख लाल गाजर, लाल सुरख ते खाइए ते बंदे दा जिकन गाजर दा रंग है बंदे दा भी हो जाता। वाह जी वाह, सियाल बंदा खाता भी, लोग कई कई बारी बना बना के लोग खा लेंगे,
बड़े नाश्ते के थान ऐ कर लेंगे ने आते ने खा लें गाजर खा लें सारिया गर्मिया फिर दिल नहीं कटदा दिल में सब घबराहट नहीं पैंदी रंग लाल सुहा हो जाता है ये बड़िया खूबियां ने गाजर बिच ये अग बिल्कुल मठी रखी थी तो ये इन चसी है नाजिमा जी एदा पानी अपने आप ना खुशक होना चाहिए अपने आप ही इन्हें खुशक होना तो इना गल है ठीक है लादया रहने सही घ्यो किस टाइम दादी में पाना घ्यो जब ला लगा देना तो उत्ते पा के घ्यो चस के फिर थले ला ला ठीक है फिर जरा मिठा छिठा भी थले ला के पा सही है वो लाया अच्छा दादी माँ जी हो गया वे हाँ सोगियां ना गाजर बिच हाँ सोगियां ना बिच घ्यो पाना ठीक है टाइम तो बाबा फिर को घंटा दो लगते ने ना क्योंकि इन्होंने पानी बिच खुशक करना होंगे इन्हें गलना होंगे फिर बिच घ्यो पाना होंगे इन छी का नहीं थलो लग जाता है दादी मैंने मुसलसल लाई भी था हाँ बिल्कुल लाई भी था सही छड़ के अगे पिछे नहीं होगी ठीक है अच्छा दादी माँ जी हो गया भी ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਦੇ ਚਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਏ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਇੱਕ ਪਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਲੈਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਝਸ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਸ ਲੈਣਾ ਝਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਭੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਈਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਈਦਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲ ਖਾ ਕੇ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 250 ਤੋਂ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਘਿਓ ਨਾਰਮਲੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਚਾਹ 'ਚ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖੋਇਆ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਿਓ ਜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਖੋਇਆ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਈ ਹੋਰ ਮੇਵਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਉਸ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੇ ਖਾ ਲਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਦੇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਚੀਨੀ ਇੱਕ ਪਾ ਚੀਨੀ ਇੱਕ ਪਾ ਚੀਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਲਵਾ ਬਣਿਆ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾ ਲੱਗੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਹੁਣ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਗਰੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਫਾਈਨਲ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ ਹਮ ਆਪਕੋ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਖੋਇਆ ਪਾ ਲਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਖੋਇਆ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੋ ਦੇਖੇ ਦਾਦੋ ਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖੋਇਆ ਵੀ ਡਾਲ ਦਿਆ ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸਕੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜੀ ਹਾਂ
ठीक है जी। अच्छा तो अभी हम टेस्ट करके आपको बताते हैं, बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार गजरेला बना है। अभी हम टेस्ट करने लगे हैं दादी, मैं टेस्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादी मैं जी बहुत मज़ेदार बना है। अच्छा तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।